News 18, India. और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। आज सदन में नीतीश सरकार बहुमत साबित करेंगे, उससे पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। फिलहाल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा पहुंच गए हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी सदन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस वक्त की, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव अभी फिलहाल विधानसभा पहुंच चुके हैं। सबसे पहली प्रक्रिया यही होगी कि स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर संवैधानिक तौर पर जो है उसे अमल में लाया जाएगा। 38 विधायक अगर स्पीकर को हटाने के लिए वोटिंग करते हैं तो किस तरीके से आगे की प्रक्रिया रहती है उस पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है, ये भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें विधानसभा पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, इसके अलावा तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है। जेडीयू की तरफ से 128 का दावा किया जा रहा है। कुछ विधायक नाराज चल रहे थे, उन्हें मना लिया गया है। तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे हैं खेला होगा। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी की तरफ से, जो डिप्टी सीएम, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह भी कह दिया गया कि हमने खिलौना दे दिया है, अब तेजस्वी यादव खेलते रहें। और इस बीच देखिए किस तरीके से, क्योंकि बजट सत्र भी चल रहा है, ऐसे में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा विधान परिषद में, विधानसभा में। उसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी, जब नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है। और इसके अलावा आपको बता दें जीतनराम मांझी जो एनडीए के साथ हैं वो भी पहुंच चुके हैं विधानसभा। अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर साफ हो जाएगी जब नीतीश सरकार को अपनी बहुमत साबित करनी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिहार में क्या खेला होगा, या जिस तरीके से बड़ा दावा किया जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। जो नाराज थे वो मान चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद की पिक्चर रोमांचक होगी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है, कितनी देर में कार्यवाही शुरू होने वाली है? बस देखिए अंदर में घंटी बज चुकी है और अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद राज्यपाल पहुंचेंगे जहां उनका अभिभाषण शुरू होगा, और जैसे ही अभिभाषण खत्म कर वो निकलेंगे यहां से, उसके बाद शुरू हो जाएगी यहां पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो अभी घंटी बज चुकी है और इस घंटी बजने के बाद जो तमाम विधायक हैं वो सदन में आएंगे और फिर यहां से सेंट्रल हॉल में सभी विधायक पहुंच जाएंगे। और ये दावा किया जा रहा था महागठबंधन की ओर से कि अभी खेला होना बाकी है। शकील अहमद यहां पर पहुंचे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शकील साहब, क्या आप लोग खेला कर पाएंगे? अब आपको सामने ही चीजें हैं, सामने थोड़ी देर में घंटी बज चुकी है, हमारी घंटी बजी, उनकी घंटी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। कैसे आपके पास संख्या बल है? वही तो बोल रहे हो, खेला होगा तो खेला ही है ना। सब आत्मचिंतन आत्मंथन के पक्ष के लिए जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज उठ करके हम लोग के पक्ष में वोट करेगा। तो ये थे शकील अहमद, अपने अपने तमाम पार्टियों के दावे हैं, लेकिन देखना होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, क्योंकि एनडीए की तरफ से यह दावा किया गया है कि 128 विधायकों का संख्या बल उनके पास मौजूद है, 122 की ज़रूरत है। 5 विधायक नाराज चल रहे थे, उनको मना लिया गया है। यह कोशिश शायद यही महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा था, इसीलिए क्योंकि 5 विधायक नाराज चल रहे थे, लेकिन वो मान चुके हैं। वो उसमें से ज़्यादातर विधायक यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं, घंटी बज रही है और तमाम विधायक भी पहुँच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल पहुंचेंगे और उसके बाद उनका अभिभाषण शुरू होगा, और उसके बाद जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब सबसे अहम खेल शुरू होगा। तेजस्वी यादव क्या खेला कर पाते हैं या फिर उन्हीं के पार्टी में खेल हो जाता है, ये देखना होगा। क्योंकि 2 ऐसे विधायक हैं, चेतन आनंद जिनका फ़ोन नॉट रिचेबल है, नीलम देवी जिनका फ़ोन नॉट रिचेबल है, और देखिए जेडीयू के एक विधायक, शायद इनको पहुँचने में थोड़ी देर हो गई थी, वो अभी ये गोपाल मंडल हैं जो पहुंच चुके हैं। और जो विधायक थे, तमाम विधायक जिनका इंतज़ार हो रहा था, जो विधायक होटल में मौजूद थे, जो विधायक तेजस्वी यादव के घर में मौजूद थे, जो विधायक विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं उनके घर पर मौजूद थे, वो तमाम विधायक अब यहां पहुंच चुके हैं
और अब सदन की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव सरकार से हटने के बाद उन्होंने यह दावा किया था कि बिहार में असल खेल होना बाकी है और जिसका परीक्षण का वक्त दिया गया है कि तेजस्वी यादव जिस दावे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या उसमें वो सफल हो पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के पार्टी के जो नाराज विधायक हैं उनके साथ खेला कर दें, क्योंकि दो विधायक ऐसे हैं जो अब तक यहाँ पर नज़र नहीं आए और जेडीयू के जो नाराज विधायक थे वो तो अब सदन भी पहुँच चुके हैं और जो विधायक नहीं पहुँचे हैं वो भी जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बिहार विधानसभा पोर्टिको का, जहाँ पर बाहर में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, अंदर में घंटी बज चुकी है, सभी विधायक अब सदन के अंदर में पहुँच जाएंगे। और देखिए बीजेपी के कुछ विधायक हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, शायद कोई नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। तो ये तस्वीर बिहार विधानसभा पोर्टिको के नीचे का है, जहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक जो है ना वो सदन के अंदर में मौजूद हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो बाहर में मौजूद हैं। और नित्यानंद राय आज पहली बार जीतन राम मांझी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं गाड़ी में, तो कहीं ना कहीं यह एकमत भी बनाने की कोशिश की गई जिसके अंदेशा पहले लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, नाराज हो सकते हैं, अगर वक्त आया तो महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, शायद उसका कहीं गुंजाइश नहीं बचा। कल देर रात जो नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो पहुंचे थे उनके घर पर, उनसे बातचीत करके सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उनके घर पर पहुंचे और उसके बाद फिर आज अभी उनके साथ पहुंचे हैं। अभी ये देखिए आरजेडी के नेता हैं वो अभी इस कैंपस में पहुँच रहे हैं, आगे में विधानसभा में पहुँचने वाले जो सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं, तो पीछे में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और अब इंतज़ार हो रहा है जो घंटी बज रही है उस घंटी के बंद होने का। ये बिहार विधानसभा का कैंपस है, माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण अब राष्ट्रगान होगा, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। रोबर्ट बिहारी चौधरी जो विधानसभा स्पीकर हैं, तो बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रगान हो रहा है और इससे पहले आपने देखा जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई भारत माता की जय के नारे आपने सुने हैं, हंगामा होते हुए भी आपको सुनाई दिया होगा। लेकिन अवध बिहारी चौधरी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सभी को शांति बनाए रखनी है और फिलहाल जो है बिहार विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान चल रहा है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि नीतीश सरकार को अपनी बहुमत साबित करनी है। 122 बहुमत का आंकड़ा है, दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। 128 विधायक उनके साथ हैं, तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, बजट सत्र भी है, राज्यपाल अपना अभिभाषण भी देंगे। तो बिहार विधानसभा से इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत दिलचस्प आज का दिन क्योंकि दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से दावा यह कि बहुमत का आंकड़ा हमारे साथ है, तो महागठबंधन का कहना यह है कि खेला होगा। तो क्या वाकई खेला होगा, अब से कुछ देर में यह तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं।